एक्सप्लोर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जा रहे हैं हैदराबाद टू बैंगलोर। आज अंबारी उस समय हम ट्रैवल कर रहे हैं। अंदर कैसा आप एक्सपीरियंस है, कैसा लग रहा है? 1 ईयर हो गया है बस चल रहा है, और 1 ईयर के बाद कैसा और कुछ फैसिलिटी ऐड हुआ है या नहीं, और क्या क्या नया कुछ हुआ है आपको हम दिखाएंगे। और वैसा ही है जैसा कम्फर्ट पहले था, वो सब आपको दिखाएंगे और हमारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए अंदर चलते हैं। बस का बाहर का पेंटिंग बहुत खूबसूरत है। अभी हम बस के अंदर जा रहे हैं, आपको हम बस का अंदर का व्यू दिखाते हैं। ये बस फुल्ली ऑटोमेटिक है और कंफर्टेबल है। इसका मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर कैपिंग है। बस का अंदर का इंटीरियर बहुत ही लाजवाब है। ये बस फुल्ली स्लीपर है, इसमें टोटल 40 सीट्स है। स्पेस भी अच्छा है, गोपू तो बहुत ही खुश है, उसका बस में पहला सफर है। आपकी सीट के पास आपको लाइट का स्विच, एसी कंट्रोल, मोबाइल होल्डर, मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर मिलेगा। देखिए, हम 3 पर्सन आराम से सो सकते हैं। लेग स्पेस अच्छा है और उसके नीचे आपको छोटा छोटा लगेज रखने के लिए भी सुविधा है। अभी हम महात्मा गांधी बस स्टॉप में है, यहाँ पर आपको स्नैक्स आइटम मिल जाएगा। पहले बस में वाटर बॉटल देते थे, पर अभी नहीं देते हैं, सो आप पानी का बॉटल मस्ट कैरी कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर बहुत सारा बस है, जैसे अंबारी ड्रीम क्लास, एराबत और बहुत सारा लग्जरी बस यहाँ पर है। अभी रात का 11 बज चुके हैं। यहाँ पर डिनर के लिए बस रुका है। डिनर के लिए ओनली 15 मिनट्स बस रुका था, सो हम डिनर को पार्सल कर लिए थे। बस 2 o'clock बीच में रुका था फॉर 10 मिनट्स वॉशरूम के लिए। अभी हम बैंगलोर के लिए निकल चुके हैं। हम बेंगलुरु में अराउंड 5:30 तक पहुंच चुके थे। हमारा जर्नी बहुत ही कंफर्टेबल था
और राइट टाइम बस था। इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।